रिजवान मेरी जान, अरे मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ हमारी भाई। क्या बात है, कब है शादी? कोई ऐसी भी बात नहीं है यार, बहुत जल्दी हम भी तुम्हें अपनी शादी की खुशखबरी सुना रहे हैं। पै 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 पै, समझ रहे हो? अब कैसे नहीं मानती, जानता नहीं अपने भाई को, टोपियां कराने का एक्सपर्ट है, समझे क्या? देखो सुनो, शादी से पहले हर लड़की ऐसे ही नखरे दिखाती है, तुम करो भाई के प्लान पे अमल, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। लड़की को काबू करने का एक ही तरीका है कि भाई शादी से पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। अबे अपने बाप का क्या जाता है, एक बार शादी हो जाए फिर झाड़ो अपने परों से मिट्टी, फिर दिखाओ उन्हें अपने खाने के दांत, फिर दिखाओ कि तुम हो क्या, समझे? शादी के बाद उसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब अपने भाई की मिसाल दो, हरीबा मान रही थी नहीं ना? अरे तेरे भाई ने ऐसे सब्ज बाग दिखाए उसको कि अब देखो शादी की तारीख तय होने को फिर रही है, चिड़िया आ जाएगी पिंजरे में, अब फिर देखना अपने भाई शानी के रंग तुम बेटा। ये जो लड़कियां होती हैं इनको समझना पड़ता है कि इनसे करो प्यार, ये बहुत कीमती होती हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनको प्यार से रखते हैं, जैसे कहें वैसे करते हैं। चलो रखो फोन अब तुम। अरे बेवकूफ तुम, कब आई? अरे पता ही नहीं चला यार। जब तुम अपने दोस्त को कीमती मशवरे दे रहे थे ना तब आई थी। वो तो बस ऐसे, मैं तो चाह रहा था कि तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूं, लेकिन मैं अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहती। बेबी शोना जानू अरीबा बेबी, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो। तुम ना, गलती तो मेरी है कि मैंने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया। तुम ना मेरी सोच से बिल्कुल अलग निकले। मेरे ख्वाब पूरे करने के बजाय तुम मुझे कैद करने का प्लान बना रहे थे। गलत फहमी हुई है तुम्हें यार,